सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और जरूर दबाइए घंटा ताकि आपको मिलते रहे लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशंस। पंजाब में तरनतारन की पुलिस ने रेत माफिया पर शिकंजा कसते हुए गांव बूह में बड़ी कार्रवाई करते रेत की माइनिंग करते हुए 5 टिप्पर, 2 जेसीबी मशीन, 2 ट्रॉलियां, 1 पोकलैंड मशीन को कब्जे में लेते हुए 13 व्यक्तियों को हिरासत में लिया है। इस मौके पर एसपीडी हरजीत सिंह धालीवाल ने बताया कि तरनतारन के थाना हरिके में पड़ते गाँव बूह में गत काफी समय से रेत माफिया की तरफ से नाजायज तौर पर रेत की माइनिंग की जा रही थी और इसकी शिकायतें भी मिल रही थी, जिस कारण वहां पर रहने वाले लोग भी इसका विरोध कर रहे थे, जिसकी भी कई बार खबरें भी प्रकाशित की गई थी, जिसके ऊपर कार्रवाई करते हुए आज पुलिस ने रेत माफिया पर शिकंजा कसते हुए गाँव बू में बड़ी कार्रवाई करते रेत की माइनिंग करते हुए 5 टिप्पर, 2 जेसीबी मशीन, 2 ट्रॉलियां, 1 पोकलैंड मशीन को कब्जे में लेते हुए 13 व्यक्तियों को भी हिरासत में लिया है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तरनतारन से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। अज साढ़े हरीके थाने के जी इलीगल माइनिंग चलती है, वो संबंध में हरीके थाने ने कार्रवाई की है। पिंड बूह के जी उ रेड किया जिते चल रही थी माइनिंग, उतना 5 जड़िया ने बड़िया टिप्पर, 3 जेसी मशीन ने, 2 ट्रालिया ने जिड़िया राउंडअप की ने पिंड बूह आए पा इतने, तो टोटल जे 13 बंदे राउंडअप किए, बाकी जी इन्वेस्टिगेशन जी पर्चा दर्ज करके कर रहे हैं, जोड़ा बाकी जमीन का मालिक होएगा वो ही ये दोषी बनाया जाएगा। तफतीश करते वेरीफाई करते उ रिकॉर्ड लैके भी कि पैली है, पटवारी को रिकॉर्ड लगे वो दोषी बनाया जाएगा। हाँ इलीगल से ही इतने कार्रवाई की इतने कोई नहीं है। लंघे ही, बाकी कारवाई जी थाने हरीके ने की।